हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप रानी मुखर्जी के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है रानी मुखर्जी एंड निक नेम है खंडाला गर्ल एंड बेबी। प्रोफेशन से एक्ट्रेस हैं। इनका जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 45 ईयर हो चुकी है और इनका होम टाउन कोलकाता इंडिया है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं तो इनकी हाइट लगभग 5'3" है। इनका आई कलर ब्राउन और हेयर कलर ब्राउन है और ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई मानेक जी कूपर हाई स्कूल जुहू मुंबई से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई मिठीबाई कॉलेज मुंबई से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। जब वह 16 साल की हुई तो उन्हें जुगल हंसराज के साथ आग गले लग जा मूवी में लीड रोल के लिए ऑफर मिला। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि इतनी कम उम्र में वह अभिनय करें। बाद में उनकी जगह उर्मिला मातोड़कर ने ले ली। वह एक ट्रेंड उड़ीसी डांसर हैं। बॉलीवुड फिल्मों में साइन करने से पहले उन्होंने रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग प्राप्त की। वह एक निजी व्यक्ति हैं और अन्य हस्तियों से विपरीत है। शायद ही कभी मीडिया के साथ उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने अपने पिता की बंगाली मूवी बियर फूल जो 1996 में आई है मैं 18 साल की उम्र में कैमियो का रोल किया था और उसी साल में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया राजा की आएगी बारात से जिसमें इनका कैरेक्टर माला का था। पर उस समय इनको कोई नहीं जानता था। उसके 2 साल बाद इन्होंने मूवी कुछ कुछ होता है में काम किया जो इनकी लाइफ की सबसे सफल मूवी रही जिसमें इनका कैरेक्टर टीना मल्होत्रा का था जिसके लिए ये फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए चुनी गई। वहीं 1999 में इन्होंने हेलो ब्रदर मूवी में भी काम किया जिसमें इनका रोल रानी का था और 2000 में इन्होंने हर दिल जो प्यार करेगा मूवी में काम किया जिसमें इनका किरदार पूजा ओबेरॉय का था जिसके लिए ये नॉमिनेट भी हुई फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी मूवियों में काम किया जिसमें से कुछ सुपरहिट रहीं तो वहीं कुछ फ्लॉप भी रहीं। इन मूवियों के नाम हैं गुलाब, मैनी, मन, बादल, हे राम, हद कर दी आपने, बिच्छू, कहीं प्यार ना हो जाए, चोरी चोरी चुपके चुपके, नायक, द रियल हीरो, प्यार दीवाना होता है, मुझसे दोस्ती करोगे, साथिया, चलो एक से लड़ाएं, एलओसी कारगिल, हम तुम, वीर जारा, ब्लैक, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना, लगा चुन्नी में दाग, दिल बोले हड़प्पा, तलाश, द आंसर लाई विद इन, मर्दानी, हिचकी, मर्दानी 2 एंड बंटी और बबली 2। और अब इनकी अपकमिंग मूवी है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो कि 2023 में आने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने टीवी में एज अ जज डेब्यू किया था डांस प्रीमियम लीग से जो कि 2009 में आई है। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं तो इनके फादर का नाम लेट राम मुखर्जी है जो प्रोफेशन से फिल्म डायरेक्टर हैं और इनकी मदर का नाम कृष्णा मुखर्जी है जो प्रोफेशन से एक प्लेबैक सिंगर है। इनके ब्रदर का नाम राजा मुखर्जी है जो प्रोफेशन से प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं और इनके हस्बैंड का नाम आदित्य चोपड़ा है जो प्रोफेशन से डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है। इनकी मैरिज 21 अप्रैल 2014 को हुई है और इनकी बेटी का नाम अदीरा है। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं तो इनको डांसिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं तो इनके फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। फेवरेट एक्ट्रेस हैं श्रीदेवी, शर्मिला टैगोर। फेवरेट डेस्टिनेशन है सिक्किम। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहती हैं।
अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है मर्सिडीज बेंज ई क्लास, सेकंड कार है ओडी A8W12। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें ये लगभग 4 करोड़ रुपए पर मूवी चार्ज करती हैं। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 25 मिलियन यूएस डॉलर है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 200 करोड़ रुपए बनता है। तो ये थी रानी मुखर्जी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।